अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि ये लास्ट व्लॉग होगा, तो ये है मजदे कूफा का लास्ट व्लॉग। और उसके बाद का तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ फ्रॉम नजफ़ टू कराची एयरपोर्ट। अब हम यहाँ से हो रहे हैं एंटर और आप इस मस्जिद को देखिएगा, माशाल्लाह से ये बहुत बड़ी और बहुत बहुत अच्छी मस्जिद है। और यहाँ पर इनके अभी मैंने आप लोग को पहले ही बताया था ना कि हम लोग की फ़्लाइट थी, तो हम लोग ज़्यादा सुकून से ज़्यारत नहीं कर पाए और नमाज़ें भी हमने यहाँ पर कम पढ़ी, लेकिन ये अच्छा था कि हम यहाँ पर गए ज़रूर। यहाँ पर भी हर मुकाम पर दो रकअत नमाज पढ़ते हैं, और पहले मुकाम पर हम वहाँ जा रहे थे जहाँ पर मौला अली को ज़रबत लगी थी, तो ये पहला मुकाम वो है। और यहाँ पर भी हमने दो रकअत नमाज अदा की थी, आप लोग देखिए। तो यहाँ पर अब हम एंटर हो गए हैं, और जो यहाँ पर मैं ज़री दिखाऊंगी ना, वहीं जो है वो मौला अली को ज़रबत लगी थी और इसको एक ज़री बनाकर सिक्योर कर दिया है। अब हर मुकाम को ये लोग ऐसे ज़री बनाकर जो है वो सिक्योर कर देते हैं ताकि निशानी एक सही निशानी रहे। और ये वो मुकाम जहाँ पर मौला अली नमाज़ अदा किया करते थे, यहाँ पर भी हमने दो रकअत नमाज़ अदा की थी। और यहाँ आगे हम एक और जो है वो ज़री के पास जा रहे थे, लेकिन अंदर एंटर शायद होने नहीं दिया था, बल्कि यहाँ से गेट नहीं था, आगे से था। यहाँ से जो है वो सारे जेंट्स जा रहे थे, हम जो लेडीज़ का था वो अलग से था, जो अब मैं आप लोग को दिखाऊँगी। और ये ज़री थी मुख्तार सखफ़ी की, काफ़ी ये अच्छा था कि हर ज़री पर आगे उन्होंने नाम लिखे हुए थे, लेकिन यहाँ पर ना अलाउ नहीं था जो है वो रिकॉर्ड करना, तो मैं बहुत कम वहाँ पर रिकॉर्ड कर सकी। और अब हम जा रहे थे दूसरी जगह। ये है मौला अली का घर, हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हमारी फ्लाइट है, हम बहुत जल्दी में हैं, मगर बाहर से आए हम लोग ज़्यारत कर रहे हैं। हमारे
हमारे साथ बहुत मसला हुआ टाइम का कि हम अंदर जा नहीं सके क्योंकि वहाँ पर भी नमाजें थी और वो सब था, तो वो थोड़ा सा हमें मुश्किल हुई कि यार हम अंदर नहीं जा सके, मगर आपको मैंने बाहर से ज़रूर दिखाया है। और ये जो मैं आपको रोज़ दिखा रही हूँ वो था मीसा में तम्मार का, लेकिन हम अंदर नहीं गए इसके, हमने बाहर से ही जो है वो उसकी ज़्यारत की थी। बहुत काफ़ी टाइम हो गया था और हमारी फ़्लाइट थी इसलिए, और थोड़ा सा एयरपोर्ट का भी यहाँ से रास्ता था। तो मैं आपको एंड में जो है वो पिक्चर्स जो है वो शेयर कर दूँगी कुछ, आप लोग देख लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये पूरी सीरीज़ पसंद आई हो। इफ़ डू प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। नेक्स्ट ब्लॉग ऑफकोर्स पाकिस्तान के स्टार्ट हो जाएंगे। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।